शिवपुरी जिले के देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले महल सराय में रहने वाले एक परिवार ने एसपी को दिए आवेदन में बताया कि उनके पड़ोस में रहने वाला करुआ आदिवासी द्वारा 13 साल की नाबालिग के साथ आए दिन छेड़छाड़ की जाती है, जिसकी शिकायत उन्होंने देहात थाने पर दर्ज कराई है, पर कार्यवाही न होने के चलते आज एसपी से कार्यवाही की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले महल सराय में रहने वाली नाबालिग की मां ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके पति का देहांत हो गया है एवं वह मजदूरी करने जाती है, तो घर पर उसकी 13 साल की नाबालिग बेटी के साथ पड़ोस का रहने वाला करुआ आदिवासी आए दिन छेड़छाड़ करता है। वहीं कल उसकी नाबालिग बेटी कुएं पर पानी भरने गई थी, जहां करुआ आदिवासी द्वारा उसका दुपट्टा खींच लिया और हाथ पकड़ लिया और किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी, जिसकी शिकायत परिजनों ने थाने पर दर्ज कराई, पर सुनवाई न होने के चलते आज एसपी से कार्यवाही की गुहार लगाई है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। ये लड़की ये बेर बेर चिड़ता हो, जो आप जाएंगे तो आप चिड़ता प्रेस हो जाएंगे तो चिड़ रहा हो गया, मैं जाना था पकड़ लेता मोड़ ये करूंगा मैं सरा कोई आपको पड़ोसी। हाँ अच्छा, तो उसको कहता है कि लड़की थी के तो लड़की से पकड़ ले तो जाना था संजा को, तो जो भी धमकी दे रहा था उठा ले जाऊंगा तो तुम मेरा का खेल लेंगे और तुम्हारे घर में मतलब तुम्हारे पसवावे का इसमें भी डरंगो जो कह रहे हमसे, तो संजा मार भी तैयार होगा तीन चार भी रहा कोई सुनवाई नहीं हो रही, तीन बजे ताने पे गए तो बिन्ने भी नहीं सुनवाई करी कछु। हमारी लड़की चेड़ता है वो तीन चार बार हो गई। कौन चेड़ता है? करुआ आदिवासी है। आपके पड़ोसी है? पड़ोसी आई है तुझे मान लो। अच्छा, कब से चेड़ रहा है? तीन बार हो गई, तीसरी बार। क्या कहता लड़की से? साजा बात पकड़ ले वो कम खेता हूँ कल भी पकड़ लवाना है। कहाँ गई थी लड़की? कुआ पे गई थी पानी भरने और ये छेड़ रहा बस। ताने पे शिकायत नहीं की आपने? करी तो सही शिकायत सुनाई नहीं रहा कोई, हम 10 बजे के बैठे हैं जब आए ने केएफसी साहब। शादी वगैरह नहीं हुई किसकी? अभी नहीं भाई, 13 साल की है लड़की। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।